ये जो शो ऑफ का कीड़ा है ना, अब दो बातें हैं कि भाई ऐसे मैं एक तो ये गाड़ी दिखा रहा हूँ कि यार देखो मैं ये होंडा एकॉर्ड है, ये 35 लाख की आती थी, इसमें V6 इंजन है, ये है वो है। एक तरीका तो ये है कि मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा कि भाई ये है वो है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बताता हूँ यार, एंगल सेम ही। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और यार व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ज़रा बता दूँ कि जो पिछला व्लॉग था उस पर तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत सारा थैंक यू। जिसने नहीं देखा हो जाके देख लो, उसमें मैं अपनी छोटी बहन को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, तो वो बहुत फ़नी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो तुम लोग जाके चेक कर लो। और अब आगे का व्लॉग शुरू करते हैं, देखो मज़ा आएंगे तुम्हें आज के व्लॉग में। तो यार देखो व्लॉग तो मैं शुरू कर रहा हूँ, पर व्लॉग इस व्लॉग के पीछे बेसिकली एक कहानी है, वो तुम देखो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें मैं कुछ अलग सा हटके करके दिखाता हूँ आज। मतलब ये व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग ही होगा, तो देखो कैसे क्या है, और टाइटल से मिलता जुलता ये टेंशन ना लो, अभी तुम्हें मज़ा आएंगे, तुम सब समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो उस कहानी की ओर बढ़ते हैं पहले, और वो देखो तुम, उसके बाद आगे का व्लॉग तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो यार देखो ये बात शुरू होती है बेसिकली आज से 2 साल पहले से, जब मैं कॉलेज में था और मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त, ऐसे ही मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और मेरे साथ बैठा था वो, और उसने मुझे एक चीज़ बोली कि यार भाई ये YouTube शो ऑफ बहुत मांगता है और शो ऑफ के बिना पॉसिबल है नहीं कर पाएगा तू, और ये मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अब यार मैं बड़ा संकट में चला गया क्योंकि बचपन से फोटोग्राफी वो शौक था, सोचा था करेंगे, पर मैं चला गया यार कि ये शो ऑफ क्या नेसेसरी इतना ज़्यादा है कि इसके बिना कोई कंटेंट ही नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे कॉलेज पे व्लॉग्स बनाने शुरू किए, तुमसे प्यार मिलने लग गया, और बेसिकली मुझे समझ आ गया कि अपन डाल सकते हैं, कर सकते हैं, और मैं हर दूसरे दिन डालने लग गया वीडियोस, जिसका तुम आज रिजल्ट देख सकते। तो यार देखो ये थी कहानी बेसिक सी, तुम्हें कुछ समझ आया होगा इससे। अब मैं आगे का व्लॉग शुरू करता हूँ, और अब देखो अब चीज़ें बताता हूँ तुम्हें मेरे हिसाब से कि क्या मैं फील करता हूँ क्या नहीं करता, और शायद तुम भी करते हो सेम, मुझे नहीं पता। पर लोग आगे बढ़ाते हैं, देखो करते हैं यार अपन अपनी बात। देखो मेन चीज़ क्या है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ब्लॉगिंग शुरू करें नहीं करें, कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए, या कुछ दिखाने को तो चाहिए, और उसको लोग ले जाते हैं शो ऑफ में। तो जैसा मैंने कहानी में बताया यार, मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मेरा कोई क्लोज ही था, उसने मुझे बोला था कि यार देख शो ऑफ के बिना है ना कुछ हो नहीं सकता, और व्लॉगिंग के लिए कंटेंट के लिए शो ऑफ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चाहिए, सब करते हैं यूट्यूबर्स, दिखाते नहीं हैं ये वो, तुझे कंटेंट ही नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत बहुत चीज़ें बोली थी। ठीक है क्या ये बात है ना, मेरे को कुछ दिल पे लग गई ज़्यादा ही, और मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, कैरी मिनाटी है, फ्लाइंग बीस्ट है, या फिर मैं व्लॉगर्स की बात करूँ तो केसी नेस्टेट है, बाहर इंटरनेशनल व्लॉगर्स व्लॉगर्स जो हैं, हो जाता है यार कभी कभी जुबान क्या है फिसल सी जाती है, एक तो गर्मी बहुत है और गाड़ी के अंदर और बैठा हूँ मैं। खैर ये सब भी ऐसे, मतलब यार एक बात होती है कि देखो शो ऑफ जो चीज़ है ना, या फिर इंडिया में बात करूँ फ्लाइंग बीस्ट हो गया, ये बड़े यूट्यूबर्स, मैंने इनका कंटेंट देखा काफ़ी टाइम से देख भी रहा था, तो मैंने देखा यार ये कहीं नहीं शो ऑफ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। एक दो यूट्यूबर्स थे जिन्हें मैंने देखा इंडिया के, गौरव जोन वगैरह, तो उनकी यार उतनी उस लेवल की इज्जत भी नहीं है, देखो जो सोच रहा हो कि मैं शो ऑफ करूं ये वो। तो ये एक बहुत जो चीज़ है ना, ये लोगों में आजकल आ गई है कि यार हम शुरू कैसे करें, क्या करें, नहीं कर सकते, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे भाई या चैनल नहीं चलेगा अगर कुछ कंटेंट ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो ये सब बातें है ना यार, ये मेरे दिमाग में लग गई, और मैंने सोचा कि यार चलो करते हैं शुरू। शुरू किया, हुआ डिप्रेशन आना नॉर्मल था, क्योंकि नहीं था भाई कंटेंट ही नहीं था उस टाइम पे। क्या मैं पोइट्री वगैरह लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, पर कैमरा के सामने बोलना है ये सब मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता था, तो हुआ ठीक है। पर मैंने सोचा चलो डालते तो हैं, डालना शुरू किया। पहली वीडियो डाली, आ गए कुछ 800-850 व्यूज आ गए, ठीक है आ गए। अब यार इतने तो बहुत थे मेरे लिए कि भाई चलो ठीक है, इतने पहली मतलब ये तो बनी भी बहुत बकवास सी है, इसीलिए मैंने अब तक एक भी कोई वीडियो डिलीट नहीं किया, तो ठीक है मैंने डालना फिर शुरू किया कंसिस्टेंटली। और मेरे को क्या होता है, जब आप कोई चीज़ करते रहते हो ना, तो एक चीज़ हो जाती है कि यार एक तो कंसिस्टेंसी की आदत लग जाती है, वो बहुत सही है। एक YouTube का फायदा मेरे को जो लगता है बहुत बढ़िया है कि भाई आपको कुछ
सात आठ नौ दस मिनट का वीडियो आप बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, कुछ भी, तो आपका एक वो बढ़ जाएगा कि यार ठीक है, बढ़िया इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, बोलना थोड़ा बहुत आ जाएगा, थोड़ा आप सोचोगे अच्छा दिखूं मैं कैमरे पे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब मैंने सोचा फिर मेरा क्या, कॉलेज खुल गया तो मेरे हाथ में जो जो आता गया मैं करता गया बस। अब व्लॉगिंग का तो कुछ था ही नहीं कि भाई व्लॉग बनाने हैं, कैमरा ले लिया, अब लिया है, तो व्लॉगिंग व्लॉगिंग का कुछ नहीं था यार कि ये करना है वो करना है। ये मेरा आईपैड है, ये जो था ले दे के यही था, ठीक है। अब ये ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं है, तुम्हारा फोन जितने का होता है उतने का, ये आईपैड प्रो 10.5 है, थोड़ा महंगा है मानता हूँ, पर इतना कोई बहुत वो नहीं है कि भाई अलग ही चीज हो गई, ठीक है। जो फोन है तुम्हारे आ जाता है, ठीक है, जितने का आईफोन एक्स था उतने का, शो ऑफ नहीं कर रहा, पर हाँ जो एक चीज ली थी मैंने वो ये ली थी, इस पे मैं प्रोजेक्ट वगैरह ये वो, मैं फोन पे भी इतना पैसा बर्बाद करना नहीं लगाता अगर मेरे को कुछ यूज नहीं आ रहा उसका, ठीक है। मेरे को पर्सनली शौक नहीं है, जिसको है उसके लिए अच्छी बात है, पर मेन चीज ये है भाई कि देखो शो ऑफ से कुछ नहीं होने वाला। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी, यूजुअल सी बात थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं था व्लॉगिंग का, वी भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, अभी भी मैं इन्हें बोलूंगा आता है, ठीक है, बना रहा हूँ, अच्छा तुम लोगों से प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे। पर ये जो शो ऑफ का कीड़ा है ना, अब दो बातें हैं कि भाई ऐसे मैं एक तो ये गाड़ी दिखा रहा हूँ कि यार देखो मैं ये होंडा एकॉर्ड है, ये 35 लाख की आती थी, इसमें V6 इंजन है, ये है वो है। एक तरीका तो ये है कि मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा कि भाई ये है वो है। दूसरा तरीका बताता हूँ यार, एंगल सेम ही हो रहा है, चेंज करते हैं 3-4 मिनट, ये थोड़ा हो सकता है व्लॉग लंबा हो जाए, और बात समझना तुम यार, ये एंगल बदलू मैं पहले यहाँ से। हाँ तो मैं जैसा कि बता रहा था कि गाड़ियाँ वगैरह ये वो, तो जैसे ये हो गई, या तो एक तो ये तरीका हो गया कि भाई मैं सीधा सीधा दिखा ही रहा हूँ कि भाई ये है वो है, और एक प्रॉपर तरीका होता है कि भाई मैं तमीज़ से इज्जत से बताऊँ कि नहीं ये है मैं जा रहा हूँ। यहाँ कोई ये नहीं कि भाई हाँ मैंने BMW की खोल दी, गाड़ी का गेट खुल गया, महंगा है ये सब, यार हवाबाजी होती है, ये ज़्यादा दिन चलती भी नहीं, और कोई जो ढंग का ब्लॉगर वगैरह होगा वो ये सब हरकतें करता भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरी चीज़ है, कभी कभी कंटेंट के लिए सही है, पर अगर आपका हर कंटेंट इसी चीज़ पर बेच देना तो आप नहीं चल सकते इतना, और ऑडियंस भी यार समझ जाएगी, बच्चों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, अगर 18 से 25 साल वाला क्राउड चाहिए तो समझ लो ना मेरी बात। एंगल बदलते हैं वापस, यहाँ पे ब्राइटनेस की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। तो मेन बात यार ये है कि भैया मैंने तो जो सीखा है या कर भी रहा हूँ, जो थोड़े बहुत हो गए ठीक ठाक सब्सक्राइबर, जितने में मैं खुश हूँ, मैं मेरे को मेरी खुशी से मतलब है, दूसरों की नहीं कि कितने हो गए क्या हो गए। अगर तुम मेरा भी देखोगे चैनल तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन डाल ही देता हूँ वीडियो, और मेरे को अब तक ऐसी कोई नेसेसिटी महसूस नहीं हुई, जो था उसमें से ढूंढ लिया। कॉलेज था तो कॉलेज लाइफ पे व्लॉग्स बनाए कि लोगों को क्या पसंद आएगा, कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, सोचा बनाना शुरू कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, अपने आप ही आने लग गया यार, टाइम लगता है हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि किया और हो गया, नहीं तो फिर अगर जब उस लेवल पर पहुँच भी जाओगे तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। जर्नी तो होनी चाहिए ना एक बताने की, ये था ये था ये था फिर ये हो गया या सीधा ही यहाँ पहुँच गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो यही है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, अभी जैसे मैंने मान लो डंके जूते पहन रखे हैं, ठीक है, महंगे हैं सब है, अब मैं उसको, एक होता है सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है समझ आता है, एक होता है उसमें बोलूँ मैं भाई 14,000 के जूते हैं, ये है वो है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ये करते हैं काफ़ी लोग, मेरे को अजीब सा ही लगता है थोड़ा, और काफ़ी लोग मेरे को बोलते भी हैं जैसे कॉलेज वगैरह में, भैया आप व्लॉगिंग करें, ये करें वो करें, तो यार जैसे आपने स्टार्ट किया तो मैं, जिसको नहीं पता पहली बार जो देख रहा हो, कॉलेज लाइफ पे बनाता था, वहाँ काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो जूनियर्स हैं मेरे कि कैसे क्या ये सब करें, हवाबाजी ना करें, गाड़ी ये वो, तो यार इसमें कुछ रखा नहीं है, ये कोई भी कर सकता है आज की तारीख में, गाड़ी वाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके दोस्तों के पास होती है, खुद के पास नहीं तो, कोई भी ला सकता है, इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है, हवाबाजी अच्छी लगती है पर एक हद में, हर चीज़ में हवाबाजी अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, ये निकाल दो दिमाग से कि इसके बिना कंटेंट नहीं मिलेगा। जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, और उनके कंटेंट में तुम जानते हो कितना दम है, बीबी की वाइंस हो कोई भी हो यार, कोई भी बड़ा आदमी हो। तो यही था आज का व्लॉग, ज़्यादा नहीं दबाऊँगा, लॉकडाउन के लिए एक अच्छी खबर है कि आज कल रात को मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि थोड़ी बहुत दुकानें जो हैं अब खुल सकती हैं, तो
ठीक है, उम्मीद करते हैं सब सही रहे, सब सही जाए और जल्दी सब हो जाए। तो इस व्लॉग के साथ ख़त्म करते हैं, आज्ञा लेते हैं तुम लोगों से और मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए सारे ध्यान रखो, सेफ रहो, परिवार के साथ वक्त बिताओ और प्यार बनाए रखो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बस इतना ही चाहिए।